हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एटम। व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, उन्हीं यूनिट से मिलकर के वो एलिमेंट बना हुआ है। ओके, एटम से ही मिलकर के कोई भी एलिमेंट बना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल से मिलकर के। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या हुआ, सेल क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से ही मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। इसी तरीके से मटेरियल्स में क्या होता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम से ही मिलकर के वो एलिमेंट बनता है। और किसी भी एक टाइप के एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे। सपोज कोई सिल्वर या गोल्ड या आयरन का एक पार्ट है, तो उसमें सारे एटम्स जो हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के, सेम काइंड के ही होंगे। अब आप उसमें से चाहे तो एक सैंपल निकाल लीजिए या पूरे उसका चेक कर लीजिए, सारे एटम आपको सेम मिलेंगे। नेक्स्ट, कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? मटेरियल्स दैट अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में एक्चुअली एक आते हैं गुड कंडक्टर्स, दूसरे आते हैं बैड कंडक्टर्स, जिनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो जो मटेरियल्स हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ओके, जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब दो एक्चुअली जितने भी मेटल्स हैं इनमें कुछ जो है मोर रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। ये आप जो है अभी नेक्स्ट फर्दर जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इनकी सारी टेबल भी पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना है कि जब भी मोर रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स आपस में जो है कोई प्रोसेस होता है, तब उसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को हटा के उनकी जगह ले लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इस चैप्टर रीडिंग में भी पढ़ा है कि सपोज कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है जिसका सिंबल क्या है? CuSO4। इसमें अगर हम आयरन की नेल्स डाल दें, दैट इज Fe, तो क्या होता है? फिर हम क्या देखते हैं कि Fe जो है, Fe मोर रिएक्टिव है इन रेस्पेक्ट टू कॉपर। तो Fe क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तब क्या हो जाएगा ये? देन इट विल बिकम FeSO4, ओके, आयरन सल्फेट। और कॉपर कहाँ चला जाएगा? जो आयरन की नेल्स आपने डाली थी उनके ऊपर जाकर के कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें Fe जो है कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ले रहा है, क्योंकि आयरन जो है, Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए मेटल्स की जो एक प्रॉपर्टी है कि हम इनको वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं लंबा, तो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल की क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। जैसे कॉपर के वायर्स होते हैं, आयरन के भी वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर्स होते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जो हम इनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनके वायर नहीं बना सकते। एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? व्हेन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, कूलिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जब किसी सब्सटेंस को हम तोड़ते जाते हैं और एक स्टेज के बाद क्या होता है कि हम उसमें चाहे केमिकल रिएक्शन करा लें, चाहे कूल कर लें, हीट कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, कुछ भी कर लें, बट वो फर्दर किसी भी सब्सटेंस में नहीं टूट रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल सा। जैसे हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है?
अभी तक आपने ये तो जान ही लिया होगा कि दैट इज कॉल्ड H2O। ओके, अब हम इसको किसी भी प्रोसेस से, कोई भी केमिकल रिएक्शन करें, कुछ भी करें, और हम इसको अगर तोड़ें तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसमें से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। अब ये फर्दर क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम तोड़ सकते हैं? नहीं, हाइड्रोजन को अगर फर्दर आप तोड़ने जाएं तो हाइड्रोजन के नीचे कोई, ये हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ये फर्दर टूट के कोई सेमी हाइड्रोजन या मिनी हाइड्रोजन या ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन क्या है, दैट इज अ एलिमेंट, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ एलिमेंट, बट H2O क्या था, H2O इज अ सब्सटेंस, दैट इज अ कंपाउंड। ओके, जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट्स फर्दर टूट नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट हार्डनेस। व्हाट इज अ हार्डनेस? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच इज कॉल्ड हार्डनेस। मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, हार्ड हम किसको बोलते हैं, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजिली, जिनको कंप्रेस करना हार्ड है, जिनको स्क्रैच करना हार्ड है, तो यही प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। यही इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड है। क्यों? क्योंकि इनको कंप्रेस करना या स्क्रैच करना इतना ईजी नहीं है। जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर हार्डनेस कम होती है या वो सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड कॉपर आर हार्ड मटेरियल्स। ओके, आयरन और कॉपर क्या है, ये हार्ड मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट, मैलियबिलिटी। व्हाट इज मैलियबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलियबिलिटी। अब देखिए, कुछ मेटल्स के ऑलमोस्ट लगभग सारे मेटल्स की हम बोलेंगे, बहुत सारे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम उनको किसी हैमर से या किसी चीज से बीट करते रहे, पीटते रहे पीटते रहे, तो क्या होगा, वो धीरे 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 पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, थिन शीट्स बन सकती है उसके। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड मैलियबिलिटी। और इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे कोल है, कोयले को अगर आप जो है हैमर से पीटेंगे तो क्या होगा, क्या वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो नॉन मैलियबल है। इसी तरीके से जितने मेटल्स हैं उनके अंदर मैलियबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इनको हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स मटेरियल दैट हैव दी प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, लस्ट्रस, मैलियबिलिटी, डक्टिलिटी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जिन मटेरियल्स में ये सारी प्रॉपर्टी हो, जैसे उनके अंदर हार्डनेस हो, लस्ट्रस हो, जिनमें चमक हो, मैलियबिलिटी हो, जिनको हम पीट करके थिन शीट्स में बदल सकते हो, डक्टिलिटी हो, वायर्स में बदल सकते हैं, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल्स हमारे मेटल्स कहलाते हैं। अब देखिए, जितने भी मटेरियल्स हैं हमने इनको तीन फॉर्म में डिवाइड किया हुआ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा क्या है, कुछ मेटेरियल्स ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर मेटल्स। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मैंने क्या बताया था आपको, मटेरियल्स दैट पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की भी, हो सकता है वो डक्टाइल हों, ओके, उनके वायर्स बना सकते हैं, बस थिन शीट्स नहीं बन रही हैं, लस्ट्रस हैं बट हार्ड नहीं है, गुड कंडक्टर हैं बट उनके अंदर मेटल की और प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, दैट आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। अब ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनके बहुत सारे यूजेस भी पढ़ेंगे आप। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटल्स के जस्ट अपोजिट क्या, मटेरियल्स दैट आर सॉफ्ट, वो क्या थे, हार्ड थे, डल, वो क्या थे, लस्टरस थे, ब्रेक डाउन इंटू पाउडर वेन टैप्ड विद हैमर, हैमर से अगर टैप कर रहे हैं तो पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और इसका अपोजिट क्या था, वो मेलेबल थे, और
क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। मटेरियल्स दैट आर सॉफ्ट डल ब्रेक डाउन इनटू पाउडर व्हेन ट्रैप्ड विद अ हैमर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। सल्फर कार्बन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हमने जान लिए, सल्फर कार्बन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। सोनरस, व्हाट इज सोनरस, ये भी एक प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है, मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक हार्ड, बाय दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर कॉल्ड सोनरस। मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। आपने मंदिर में घंटी बजते हुए सुना होगा, क्या होता है उस मेटल को जब हम तेजी से किसी चीज से पीटते हैं या उसके ऊपर में किसी चीज से चोट मारते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है, रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है, दैट इज सोनोरस साउंड। ओके, और इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो भी मेटल्स हैं दे आर कॉल्ड सोनोरस। ओके, कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइजेस हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, इनमें से कौन सी ए बी सी डी जिंक फॉस्फोरस सल्फर और ऑक्सीजन में से किसको हम थिन शीट्स में बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम बीट करके जो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, दैट इज कॉल्ड मैलियबिलिटी। मैलियबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है और हमारे फॉस्फोरस सल्फर एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, जिंक, बिकॉज जिंक इज अ मेटल, सो वी कैन बीटन एंड टर्न इन टू शीट्स जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर टू, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सारे मेटल डक्टाइल होते हैं, यस मेटल तो डक्टाइल होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नो नॉन मेटल्स तो डक्टाइल नहीं होते हैं, बी तो रॉन्ग है। तीसरा क्या है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्या जनरली साधारणतया मेटल्स सारे डक्टाइल होते हैं। चौथा क्या है, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स भी डक्टाइल होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा होगा दैट इज सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हमने ए को क्यों नहीं लिखा, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारा मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, मेटल है, डक्टाइल नहीं है। इसी वजह से हम क्या आंसर लिखेंगे, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो सारे डक्टाइल हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स, ये पार्ट देखते हैं। फास्फोरस इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्शन इसका जल्दी होता है और ये एक नॉन मेटल भी है। मेटल्स आर स्पेस कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, क्या है मेटल्स, क्या है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन क्या है कॉपर से मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, फिर याद कीजिए क्या था, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डाली थी, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर करके क्या किया था, आयरन सल्फेट बना दिया था, मींस आयरन क्या है मोर रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस, मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तब कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर फोर, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। पहला क्या है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, जनरली नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या है हमारा, दैट इज फॉल्स। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, क्या इसका हमारा आंसर होगा, दैट इज ट्रू, सोडियम इतना रिएक्टिव है कि अगर उसको हम हवा में या पानी में ऐसे बैरन सोडियम को डालेंगे तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। ओके, इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डीप करके रखा जाता है। सोडियम और फास्फोरस वो दोनों बहुत ही रिएक्टिव हैं, सोडियम मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, देखिए इसमें जो मोर रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर सकता है,
जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। अगर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ही वो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या है, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ओके डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोल को आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, कोल को आप वायर की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, वो पाउडर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल और नॉन मेटल कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। पहला क्या है, अपीयरेंस, देख करके आपको कैसे मेटल और नॉन मेटल डिस्टिंग्विश करेंगे। मेटल्स तो है जो है वो देखने में लस्टर होंगे, उनमें चमक होगी, नॉन मेटल डल होंगे। हार्डनेस की अगर बात करें तो हार्डनेस में मेटल्स में क्या होगा, मेटल्स हार्ड होंगे, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होंगे। मेलियबिलिटी, मेलियबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है कि हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स क्या है, मेलियबल हैं, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेलियबल है, उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप थिन शीट्स में या फॉइल में। डक्टिलिटी, आप उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन मेटल्स में कैसा है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल्सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ए बी सी डी, चार क्वेश्चंस हैं, चारों के हमको रीजंस लिखने हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को रैप करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल यूज कर सकते हैं, करते हैं, क्यों, रीजन बताइए क्या होगा हमारा रीजन। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज हाईली मेलियबल। देखिए मेटल्स मेलियबल होते हैं, उसमें से कुछ ज्यादा मेलियबल है, कुछ कम, मीन्स कुछ को बहुत ही इजीली और बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ को उतना नहीं किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम हाईली मेलियबल है, ओके, उसको बड़ी आसानी से थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉइल्स बनाई जा सकती हैं। ओके पहला तो ये हो गया, देयरफॉर इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स। Also, aluminium do not react with food items and cost effective. इसके अलावा aluminium क्या है, food items के साथ react भी नहीं करेगा, उनको spoil भी नहीं करेगा और cost effective भी है। aluminium की फाइल बना दी, फॉइल बना दी आपने, food wrap कर दिया, आपको बताएं कि aluminium से ज़्यादा malleable है silver और gold, silver की या gold की और भी पतली फॉइल्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्या आप उसको फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज करोगे, क्यों क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो कॉस्टली हैं। आप सिल्वर की फॉइल बना करके उसमें जो है अपने फूड आइटम को रैप करके ले गए और उसके बाद में उसको फेंक दिया, तो इतना कॉस्टली आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या है, एल्युमिनियम कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सिल्वर फॉइल्स आपने देखा होगा, इतनी थिन सिल्वर फॉइल्स होती हैं कि बहुत सारे स्वीट्स जो बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, उनके ऊपर सिल्वर की फॉइल्स चढ़ी होती है, जिसको हम सिल्वर वर्क भी बोलते हैं, जो एकदम वाइट वाइट दिखता है। ओके नेक्स्ट, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। इमर्शन रॉड क्या होती है, इमर्शन रॉड आपने देखा होगा कि ठंडियों में जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है या जहाँ ठंडियों में हम लोग गर्म पानी का यूज़ करते हैं नहाने के लिए, क्या करते हैं, इमर्शन रॉड को एक बकेट में डालते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से उसको पावर अप करते हैं, तब क्या होता है, वो इमर्शन रॉड हमारे पानी को हीट कर देता है। तो ये इमर्शन रॉड मेटल की बनी होती है, क्यों, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इमर्शन रॉड के अंदर जो एलिमेंट लगा होता है वो भी एक मेटल का होता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, हीट जनरेट कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उस हीट को वाटर तक ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है वो भी मेटल का है, और वो मेटल का इसलिए है क्योंकि वो अंदर की हीट को बाहर अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है और पानी को गर्म कर सकता है या जो भी लिक्विड आपका है उसको हीट कर सकता है।
metals are good conductor of heat and electricity. That is why immersion rods are made up of metallic substances. See, copper cannot be displaced zinc from its salt solution. Copper जो है zinc को displace नहीं कर सकता है उसके salt solution में. Means zinc का solution है और copper उसको displace करना चाह रहा है. तो क्यों नहीं कर सकता है? इसका reason क्या है? सबसे पहले तो आप definition जान लीजिए क्या है. पहले भी मैंने बताई हुई है. A more reactive metal can replace a less reactive metal. ये किसकी है? Displacement reaction की. जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. अब कॉपर और जिंक में क्या है? कॉपर और जिंक में कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक. So the copper cannot displace zinc from its solution. तो reaction chart में अगर आप देखेंगे जाके तो copper जो है zinc से नीचे आता है. zinc जो है ज्यादा reactive है और zinc का ही solution है, उसमें आपने copper को डाला. copper ज्यादा reactive नहीं है तो zinc को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा. okay? Sodium and potassium are stored in kerosene. Sodium और potassium जो है केरोसिन में स्टोर किए जाते हैं. केरोसिन ऑयल होता है, उसके अंदर हम सोडियम और पोटेशियम को डाल के रखते हैं. ऐसा क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन एज दे डू नॉट रिएक्ट विद केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम क्या है? वो हाईली रिएक्टिव हैं. वो विगोरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ. सोडियम को अगर आप खुले में, हवा में या पानी में ऐसे डाल देंगे तो पानी में भी आग लग जाएगी. मीन्स आपने देखा होगा या आप ऐसा सुन भी सकते हैं, कहीं आपने वीडियो भी देखा हो कि क्या होगा, सोडियम के टुकड़े को आप पानी में फेंकेंगे और वहां पे आग लग जाएगी. क्यों? क्योंकि वो सोडियम तुरंत पानी के साथ रिएक्ट होके इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि वहां पर आपको फायर दिखने लगेगी. इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, उसको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करें. ये हाईली रिएक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 7. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. क्या आप एल्युमिनियम के बर्तनों में या एल्युमिनियम के किसी कंटेनर में लेमन पिकल को, नींबू के अचार को रखते हैं? एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स. पहले हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं क्या है. एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. एसिड्स क्या होते हैं? वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ओके. लेमन पिकल इज एसिडिक इन नेचर एंड कैन रिएक्ट विद एल्युमिनियम. अब लेमन पिकल क्या है? एसिडिक है. एल्युमिनियम क्या है? मेटल है. और आपको पता है कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो लेमन पिकल को जब आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल में रखेंगे तो वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है. दिस विल रिजल्ट इन द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल. इस वजह से आपका पिकल खराब हो सकता है. सो वी शुड नॉट स्टोर द लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स. इसलिए हमें लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और आपका सारा लेमन पिकल जो है स्पॉइल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ सब्सटेंसेस हैं, कॉलम बी में उनके यूजेस हैं, उनको मैच करना है. गोल्ड हमारा किससे मैच होगा? ज्वेलरी. गोल्ड से क्या है? ज्वेलरी बनाई जाती है. आयरन किससे मैच होगा? आयरन से मशीनरीज बनती हैं. एल्यूमिनियम किससे मैच होगा? रैपिंग फूड. एल्यूमिनियम फॉइल्स कहाँ यूज होती हैं? फूड रैप करने के लिए यूज होती है. कार्बन. कार्बन का क्या है? फ्यूल में यूज होता है. कोल क्या है? कोल इज ऑल्सो अ कार्बन और वो हमारे एज ए फ्यूल यूज होता है. कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम आता है. मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो थर्मामीटर्स हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर्स हैं, उनमें मर्क्यूरी यूज की जाती है. मर्क्यूरी इज अ मेटल बट फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट?
और दूसरा है आयरन मेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक एक को समझेंगे। पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर प्लेट पे डालें तो क्या होगा, और उसकी वर्ड इक्वेशन भी हमें लिखनी है, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या होगा आंसर। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट द कॉपर मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर क्या करेगा, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब आप उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर ब्लूइश होने लगेगा, मींस वो कॉपर सल्फेट बनाने लग रहा है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। इसकी हमारी रिएक्शन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, कॉपर, कॉपर हमने यहाँ पर कॉपर का क्या फॉर्मूला है, Cu, कॉपर किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है आपका H2SO4, H2SO4 क्या है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स क्या बनेगा हमारा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 प्लस इसके अलावा H2 हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। ओके, तो ये हमारी इसकी वर्ड इक्वेशन हो गई। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, इसको मुझे याद आ रहा है आप लोगों ने क्लास 7 में भी ये एक्टिविटी की थी, क्या होगा इसमें, व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेस कॉपर एंड मेक आयरन सल्फेट कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। आपने जब लास्ट ईयर पढ़ा था तब क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें आपने कुछ आयरन नेल्स डाल दी, लोहे की कील डाल दी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है उसका ब्लूइश कलर चला गया, क्या हुआ था उसमें, उसमें आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, अब हमको पता चल रहा है, इसलिए किया क्योंकि आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेस कॉपर एंड मेक आयरन सल्फेट, उसने कॉपर को हटा करके क्या कर दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो गया, अब आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर आकर के जो आयरन की नेल्स थी उनके ऊपर डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। फॉर्मूला हमारा क्या है इसका, Fe कॉपर हमारा, सॉरी जो हमारा आयरन है वो क्या हुआ, Fe जब हमारा कॉपर सल्फेट में हमने Fe मींस जो हमारी आयरन नेल्स हैं उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो Fe ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को हटा दिया तब क्या हो गया, Cu हट गया तो वहां पर Fe ने अपनी जगह बना ली, तब क्या बन गया, ये बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर अलग से आपको आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, राइट डाउन व्हाट इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल, चारकोल जलता हुआ लिया, उसमें जो गैस बन रही थी उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया, मीन्स चारकोल बर्न हो रहा था उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब उल्टा करके उसने उस गैस को उसके अंदर किसी भी तरीके से इकट्ठा कर लिया। अब उस गैस की प्रॉपर्टी को वो फाइंड आउट करना चाह रही है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर कैसा है, कैसे कर सकती है, क्या करेंगे, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस, जो टेस्ट ट्यूब में गैस है उस टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा पानी डालिए और उसके बाद क्या करना है, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को फिर से बंद कर दीजिए और उसको अच्छे से हिलाइए, अब क्या होगा, जो गैस उसके अंदर है वो पानी के साथ में मिक्स हो जाएगी। आफ्टर शेकिंग टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, अब शेक करने के बाद आपको मेन उसमें क्या चेक करना है, नेचर चेक करना है गैस का, नेचर मींस वो गैस एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शी विल पुट ब्लू एंड ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस इन दिस सॉल्यूशन, वो क्या करेगी, उसने उस गैस में थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के उसको अच्छे अच्छे से शेक कर दिया, अब उस पानी में वो गैस मिक्स हो गई है, मिक्स होने के बाद उसको चेक करने के लिए वो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों लिटमस पेपर डालेगी और देखेगी कि ये एसिडिक है या बेसिक है, फिर क्या होगा, जब वो ऐसा करेगी तब क्या देखेगी, इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू
रेड ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जा रहा है, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसकी प्रॉपर्टी है ये गैस क्या दिखा रही है कि ये एसिडिक है। इन रेड क्यों, क्योंकि एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये गैस जो मिली है उसको वो नेचर में कैसी है, एसिडिक है। अब इसका वर्ड इक्वेशन भी लिखते हैं, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेसेस इन दिस प्रोसेस। क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। चारकोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चारकोल जो बर्न हो रहा है, बर्न होने का मतलब क्या हो रहा है, किसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, मींस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन क्या है, चारकोल क्या है, चारकोल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, O2 के साथ में। क्या बन रहा है हमारा, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, CO2। तो पहला तो ये हो गया। अब CO2 गैस आपको मिल गई, फिर आपने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आपने वाटर में मिक्स किया तब क्या हुआ, CO2 आपकी किसके साथ में मिल गई, H2O के साथ में। H2O के साथ में मिलने के बाद क्या हुआ, जो हमें उसका आउटकम मिला दैट इज H2CO3, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड क्या शो कर रहा है, ये एसिड शो कर रहा है कि हमारी जो गैस है वो भी एसिडिक इन नेचर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट। रीटा अपनी मदर के साथ में जो है एक ज्वेलरी शॉप में गई। उसकी मदर के पास में एक कोई गोल्ड की बहुत पुरानी ज्वेलरी थी जो थोड़ी सी डल हो गई थी देखने में, तो उसने क्या किया, पॉलिश करने के लिए गोल्ड स्मिथ को दिया। और पॉलिश करके जब उसको वापस ज्वेलरी मिली तो ज्वेलरी का जो पहले वेट था, वेट करके देखिए, पहली बात तो ज्वेलरी जब दी जाती है या ली जाती है तो वेट करके देते हैं, वेट करके लेते हैं, क्यों, क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गोल्ड कम हो गया तो उतना अमाउंट आपका लॉस हो गया। तब जब उसको वापस मिली ज्वेलरी तो उन्होंने देखा कि बहुत हल्का सा स्लाइट लॉस है वेट में, और ये लॉस किस वजह से हुआ, उसने गोल्ड स्मिथ ने तो बोल दिया कि मैडम क्या होता है कि जब हम पॉलिश करते हैं तो इतना तो लॉस हो ही जाता है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम किसी चीज को पॉलिश कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर में कोई पॉलिश चढ़ा रहे हैं तो वेट तो बढ़ना चाहिए था कम होने के बजाय, तो इसमें क्या हो रहा है। तो हम पहले जानते हैं कि पॉलिशिंग क्या होती है गोल्ड के मामले में। फॉर पॉलिशिंग अ ज्वेलरी गोल्ड इसमें डज नॉट पुट एनी शाइनी लेयर ओवर इट। ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड या कोई शाइनी चीज उसके ऊपर में ब्रश लेकर के पेंट कर देते हो जिससे उसमें शाइन आती है। तो फिर एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली दे रिमूव एन आउटर डल लेयर एंड एन इनर शाइनी लेयर ऑफ ज्वेलरी कम आउट। क्या करते हैं, जो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है उस गोल्ड में तो आपको पता है चमक होती है, बट ऊपर से रखे 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 थोड़ी डल हो गई, तो क्या करते हैं वो गोल्ड की जो आउटर लेयर है वो लेयर हट जाती है और उसके नीचे जो आपकी इनर लेयर है वो थोड़ी सी शाइनी है वो बाहर आ जाती है। अब जब आउटर लेयर हटेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेट लॉस होगा, तो आउटर लेयर हटती है तो क्या होता है, फॉर दिस प्रोसेस दे यूज अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेगिया। एक्वारेगिया करके लिक्विड है, वो एक्चुअली है क्या, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। ये ज्वेलरी शॉप में जो गोल्ड की ज्वेलरी है उनको क्लीन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व इन दिस लिक्विड एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। जो गोल्ड की ऊपर वाली लेयर है वो पतली सी लेयर, बहुत हल्की सी लेयर क्या होती है, इस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है और उसके साथ में उसकी सारी जो गंदगी आ गई थी, जो आपकी डलनेस आ गई थी वो सब हट गई। अब जो अंदर से लेयर निकल के आई वो क्या है, वो चमकदार है, शाइनी है। इसी तरीके से क्या हुआ कि आपकी पुरानी ज्वेलरी नई की तरह देखने लगी, बट द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। अब जो ऊपर की लेयर कम हो गई उसकी वजह से आपकी ज्वेलरी में थोड़ा सा वेट आपको कम दिखेगा। ओके, तो जो ज्वेलरी के ऊपर में पॉलिशिंग होती है
या उसकी क्लीनिंग होती है, पॉलिशिंग में कुछ ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि ऊपर की एक लेयर ही हटा दी जाती है, जिस वजह से आपका गोल्ड का भी थोड़ा सा लॉस होता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमने चैप्टर के कीवर्ड्स एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।